أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوات الله يستجاب لها رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا امين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته मैं आप सबका फ़हम कुरान के डे 53 में इस्तकबाल करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हम लोगों ने कल सुरे मोमिनून स्टार्ट किया था और हम लोग का पारा 18 चल रहा है और शुरू के हम लोग दस आए थे जिसमें मोमिनीन की फलाह का ज़िक्र है और मोमिनीन की जो सिफ़ात है अल्हम्दुलिल्लाह उसको हम काफ़ी डिटेल में पढ़े समझने की कोशिश करें और जो है अपने आप को उस सिफात के अंदर रख कर देखे कि हमारे अंदर जो कमी है अल्लाह ताला की तोफ़ी से अल्लाह ताला से दुआ भी करें कि अल्लाह ताला इसके ऊपर अमल की तो़ी अदा फ़रमाएँ तो पहली जो सिफात थे जो मोमिनीन की जो सिफात थे वो क्या थे कि नमाजों में खशियत इख्तियार करना और फिर साथ में नमाज़ों की हिफाजत करना अब देखिए कि यहाँ पर अगर हम जो कल जो आयतें पढ़े अगर हम उसके अंदर गौर करेंगे तो अल्लाह ताला ने जो सिफात बताई टोटल सेवन सिफात हम लोग देखे तो एक एक आयत इस जो बेस थी वो लघु के ऊपर एक आयत थी तस्कीय के ऊपर एक आयत थी अमानत और अहद के ऊपर एक एक आयत थी राइट उसके बाद नमाज के ऊपर हम देखें कि दो आयतें अल्लाह ताला ने नमाज़ के ऊपर रखे थे एक तो नमाज़ों की हिफाजत करने का और एक नमाज़ में ख़ुशी ख़शियत इख्तियार करने का खुशबू इख्तियार करने का और ती, तीन आयतें अल्लाह ताला ने जो रखी थी वो इसमत और शर्म की हिफाजत के ऊपर अल्लाह ताला ने तीन आयतें डेडिकेट की तो ठीक है तो इससे देखिए कि हमारे को समझ में आ रहा कि इसकी कितनी ज़्यादा अहमियत है आयत नंबर अगर हम गौर करेंगे तो आयत नंबर फ़ाइव आयत नंबर सिक्स और आयत नंबर सेवन ये तीनों आयतें किस पे बेस्ड है अल्लाह तला जो है बता रहे है इसमें कि अपनी शर्मगाहों की हिफाज़त करना है अपनी इज्जत और असमत की हिफाजत करने का है जो अल्लाह ताली हलाल रास्ते रखे हुए हैं उसको इख्तियार करना है और जो तुम्हारे लिए हराम है वो चीज़ से बचना है तो अब इससे समझ में आता कि एक एक आयतें लघु तसकी अमानत और अहद पर थी दो आयतें नमाज के ऊपर थी और तीन आयतें एक साथ तीन आयतें जो है शर्म और औरत के ऊपर थी तो इससे हमको इसकी अहमियत समझ में आती है अंदाज़ा लगता है कि कितनी अहम और ज़रूरी है कि एक इंसान है अगर वो तमाम जो है इबादतें कर रहा है नमाज रोज़ा सारी चीज़ें कर रहा है पर अगर वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत नहीं करता अगर वो अपनी इज़्ज़त और असमत की हिफाजत नहीं करता अगर औरतें अपनी जो है हया जो छुपाने का है जो हया के जो पार्ट्स है अगर उसको छुपाने का अगर वो नहीं छुपाती तो फिर वो ये तमाम इबादतें कर कर भी हो सकता कि वो इबादतें उसकी बेकार चले जाए अगर वो अपनी हया की हिफाज़त न करे तो जहाँ पर इबादत अपनी जगह अहमियत रखती है तो वहाँ पर यह हया पर्दा और इज्जत और हलाल रिश्ते हराम रिश्ते ये सारे चीज़ें भी अपनी जगह उस अपनी अहमियत रखती हैं तो पहले तो लघु और तस्किया हमारा सेल्फ था यानी कि अपने सेल्फ रिलेटेड था दिल की कैफियत का नाम था अब जो नमाज है वो क्या है अल्लाह से ताल्लुक़ का जो है जरिया है ठीक है लहू और तस्किया अपनी सेल्फ यानि कि अपने दिल की कैफियत थी वो फिर नमाज क्या है अल्लाह और बंदे के बीच का दरमिया रिश्ता था अहद और अमानत क्या है इंसान और इस इंसान के बीच के जो है चीज़ें अखलाक में जो है वो चीज़ें आएंगी और इज़्ज़त और असमत की हिफाजत भी फिर अपनी जगह अहमियत रखती है जो इंसान को इसका ख्याल रखना है अच्छा कल हम लोग जब ये आयतें पढ़ रहे थे तो उसके अंदर हम लोग देखें कि क्या था भाई अच्छा आयत नंबर आप देखिए कि आयत नंबर सिक्स देखिए आप कि आयत नंबर फाइव में अल्लाह ताला क्या बताए कि अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करती हैं उसके बाद सिवाय अपनी बीवियों के और और उन औरतों के जो इनके मिलके यमीन में हों कि इन पर महफूज ना रखने में वो काबिल मलामत नहीं है तो अब यहाँ पर मिलके यमीन किसको कहते हैं वो समझ समझिए आप लोग आ, कुछ आ, लोगों को डाउट भी था मिलके यमीन का मतलब है कि जो आपके राइट हैंड पोजिस करते हैं यानी कि लॉन्डी ग़ुलाम को जो है मिलके यमीन कहते हैं पहले ज़माने में आ, जो तरीक़ा था जहालत में जो तरीक़ा था कि गुलाम आ, औ, 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 या लॉन्डियों को ख़रीदा जाता था यानी कि इंसान का ह्यूमन ट्रेड होता था राइट इंसानों को जो है ख़रीदा जाता था तो जो औ, 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 औरतों को ख़रीदा जाता था उनके पैसे अदा करके उनके मालिक को तो फिर वो उनकी मिलकर यमीन में आ जाती थी और उनसे भी जो है निकाह का तरीका होता था यानी कि हाफ महर ऐसा अदा करके जो है उनसे निकाह किया जाता था या फिर उन्होंने अगर लॉन्डी और ग़ुलाम है तो उनसे रिश्ता यानी कि गोया वो ऐसा रहता था जैसा बीवी के बराबर जैसा रिश्ता उनका होता था ठीक है राइट्स में नहीं मतलब उनसे रिश्ता क़ायम करने के लिए तो अल्लाह ताला यहाँ पर वो दो चीज़ों के बारे में बता रहे एक तो जो बीवियाँ जिससे तुम शादी करते हो आज़ाद औरतें और साथ साथ में वो लोग जो गुलाम हैं, तो ये दोनों कैटेगरी भी तुम्हारे लिए हलाल है जायज़ है उनसे तुम रिश्ता क्याम कर सकते हो और इसके अलावा जो कुछ चाहे फिर उनके लिए वो जो है करने वाला है तो मिलकर यमीन किसको कहेंगे लॉन्डी गुलाम को कहेंगे तो अब यहाँ पर हमारे पास अब वो तरीका जो है खत्म हो गया हुआ है तो हमारे पास लॉन्डी गुलाम का सिस्टम नहीं है तो बहरहाल ये वो जमाने की बात इस यहाँ पर बताई जा रही है अच्छा फिर उसके बाद हम लोग देखिए अल्लाह ताला अला ताला अल्लाह ने तखलीक किस तरीक़े से की कि हम जो है नुतफा थे फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने पूरे जो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस बताए तो वो चीज़ हम लोग देखे फिर उसके बाद आयत नंबर देखिए कि आयत नंबर सेवनटीन ठीक है तो आयत नंबर सेवनटीन में अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे हैं। और हमने तुम्हारे ऊपर सात रास्ते बनाए तख्लीक के काम में हम कुछ ना ना, ना बलद ना थे तो अब यहाँ पर सात रास्ते से मुराद क्या है सब आरा यहाँ पर जिक्र है तो कुछ मुफसरीन इसके बारे में देखिए डिफरेंट डिफरेंट हॉल है एक्चुअली रास्ते को कहते हैं ठीक है तर्क एक्चुअली रास्ते को कहते हैं सात रास्ते का मतलब क्या है कि कुछ मुफसरीन के नज़दीक ये सात रास्ते एक्चुअली सात तब ही है जैसा हम लोग रोज जो सुन्नत भी है ना हम सुरे मुल्क पढ़ते हैं तो तिबाका का जो जिक्र है कि अल्लाह ताला एक के ऊपर एक लेयर्स बाय लेयर्स जो है अल्लाह ताला ने सात आसमान रखे हैं अब वो सात आसमान कैसे हैं ये एक्चुअली मुतशात में आता है क्योंकि आज अब तक साइंस ये जो है डिस्कवर नहीं करी कि सेवन लेयर्स ऑफ आसमान हैं उनको बस एक ही समझ में आती है और फिर वहीं पर गैलेक्सीज प्लैनेट्स सब तो अल्लाह ताला बेहतर जानते कि कैसा है तो यहां पर सबात और मुराद कुछ मुफसरन सात तबके ही लेते हैं सेवन लेयर्स लेते हैं सेवन वेज या सेवन रूट्स या सेवन रास्ते के बदल क्या लेते हैं सेवन तबक यानी कि ये उसी से मुराद है कि अल्लाह ताला एक के ऊपर एक के ऊपर सात आसमान बनाएं और कुछ मुफसरन ये बताते हैं कि ये सात जो आसमान के जो रास्ते हैं जब एक मोमिन बंदे की रूह कब्ज़ की जाती है तो फरिश्ते क्या करते हैं उसको आसमान की तरफ लेकर जाते हैं और पहले आसमान पर खटखटाते हैं तो जब आसमान जो है जब मालूम रास्ता तय करते सात रास्ते तय कर उनका जो है नाम का दर्ज होता है तो यहाँ पर उससे मुराद ये सेवन रास्ते है जो एक के ऊपर एक के ऊपर अल्लाह तला ने रखे है तो बहरहाल अल्लाह आलम तो अगर ये सात तबक है सेवन लेयर्स ऑफ आसमान है तो फिर ये क्लियर है कि सात आसमान अगर ये कुछ और है तो फिर ये मुतशाबहत में आएंगी जिसका इल्म अल्लाह ताला ही को बेहतर मालूम है तो फिर उसके बाद हम लोग जो कल देखे वो ये भी थे कि अल्लाह ताला ने पानी बरसाया फिर अल्लाह ताला तरह तरह के बाग़ात उगाए जैतून का ज़िक्र हम लोगों ने देखा दूध का ज़िक्र हम लोग कल पढ़े और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने यहाँ पर नू आ सलाम का ज़िक्र किया और फिर हमने तेज़ी से नू आम के बारे में उनकी जो थोड़ी सी शॉर्ट में उनकी जो दावत है और उसकी किस तरीक़े से लोगों ने उनकी कौम ने तकजीब की है वो हम लोग देखे और बहुत ही प्यारी कल हम लोगों ने दो दुआएँ एक आयत नंबर ट्वेंटी एट में है और एक आयत नंबर ट्वेंटी नाइन में है ट्वेंटी एट में क्या है कि जब हम किसी किसीम कौम से नजात हमको मिलती है जुल्म से नजात मिलती है तो हम उसके ऊपर अल्लाह का शिक्र अदा करना है अलहमद लादी न जाना मिन ये हम दुआ पढ़ेंगे और ये किसी भी जुल्म से निजात मिलने पर हमको ये दुआ पढ़नी है और फिर उसके बाद दूसरी दुआ हम जो देखें रबी अनजिलनी मुंजलम मुबारक व अनतरमजीन के अल्लाह ताली बेशक तू ही जो है सही मंजिल तक पहुंचाने वाला है जो भी मंजिल है मुझ पर वो उसको जो है बरकत वाली जगह बना और उसी जगह पर मुझे उतार तो किसी भी मंजिल पर पहुंचने पर उतरने पर हम ये दुआ पढ़ेंगे फिर उसके बाद हम लोग आयत नंबर थर्टी टू तक हम लोगों ने देखा अब हम लोग आगे पढ़ेंगे आयत नंबर थर्टी थ्री से ठीक है तो चलिए बिसमिल अब यहाँ पर अल्लाह तला नू आम का जिक्र करने के बाद एक, एक एक्स वाई जेड नबी का जिक्र करते हैं और अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे कि हमने जो है नू आम के बाद एक दूसरे नबी को भेजा अब ये दूसरे नबी कौन है कौम आद की तरफ है कौम समूद की तरफ अल्लाह तला यहाँ पर नाम नहीं लिए बल्कि एक्स वाई जेड अब इससे क्या मतलब बनता है कि तमाम तर जितने भी अम्बिया इकराम हैं सबका इन जनरल अल्लाह बोल रहे हैं कि हर एक कौम के लोग ना ऐसे चाहे वो कोई भी कौम हो रहने दो हर एक कौम ने इसी तरीके से अपने रसूलों को तकजीब की रसूलों रसूलों को लाया, रसुलों का इनकार किया तो ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब जो तुम्हारा इनकार किया जा रहा है तो आप परेशान मत होइए हर नबी का ऐसे ही इनकार किया गया और उन्होंने साबित से अपने काम पर जमे रहे उसके बाद जो कौम ने इनकार किया उन्हीं को अल्लाह ताला ने सजा में मुब्तला कर दिया ठीक है तो अब जैसा हम देखें ना कि ये मक्की सूरत है यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए साहबा के लिए तसल्ली है और मुश्रकी ने मक्का के लिए इसमें डरावा है तो अब चलिए पढ़ेंगे आगे क्या अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे हैं उसकी कौम के जिन सरदारों ने मानने से इनकार किया यानी कि वो जो इसके अब मैं आयत नंबर थर्टी वन से पढ़ रही हूँ इसके बाद हमने एक दूसरे इसके बाद किसके बाद नूआ सलाम के बाद हमने एक दूसरे दौर की कौम उठाई फिर उनकी उनमें खुद उन्हीं की कौम का एक रसूल भेजा जिसने उन्हें दावत दी के अल्लाह ताला की बंदगी करो तुम्हारे लिए उसके सिवा कोई मबूत नहीं है क्या तुम डरते नहीं हो उसकी कौम के जिन सरदारों ने मानने से इनकार किया अब देखे कि फिर इनकार करने वालों में सर फहरिस्त कौन है आगे आगे कौन है सरदारान कौम जो हर, आ, अमीर है जो जिसके पास दुनिया की तमाम तर दौलत और इज्जत जिसके पास है उन लोग हमेशा इनकार करने में आगे आगे होते हैं तो अल्लाह ताला बोल रहे कि सरदारों ने जिसने मानने से इनकार किया आखिरत की पेशी को झुटलाया जिनको हमने दुनिया की ज़िंदगी में आसूदा कर रखा था वो कहने लगे ये शख्स कुछ नहीं है मगर एक बशर है तुम ही जैसा यानी कि उनका इनकार करने का क्या था रीज़न सॉलिड रीजन ओहो जबरदस्त रीजन क्या तुम ही जैसा एक बशर है एज इफ के जो है यहाँ पर ये जो रीजन दे रहे हो नो कि एक बशर की तुम कैसा बात सुनते तो एज इफ के दुनिया में कोई ऐसा हम अमल करते नहीं जिसमें हम किसी बशर की बात नहीं सुनते आप देखिए जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर को जाके अपनी कैफे सुनाते हैं उसके बाद फिर डॉक्टर जय ऐसा बोला ये परहेज करना अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब फिर वो खाना अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब कितने दिन खाना अच्छा ठीक है तो हम देखिए कि दुनिया के तमाम मामला में हम किसी ना किसी को कंसल्ट करते हैं डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं घर बनाना है तो इंजीनियर को कंसल्ट करते हैं तो और ऐसा बारी आ रही तो क्या बोल रहे वो लोग हम एक बशर जैसा हमारे जैसे चिक बशर है, जो, जो है कुछ खाते हैं हम जो हम खाते हैं भी वही खा रहे जैसा हम जो है पीते हैं भी वैसे पी रहे तो क्या ये खाता पीता एक इंसान के हम जो है मानेंगे तो उनका इनकार करने का ये बेवकूफ सा रीजन उनका था तो वो लोग क्या बोले मगर ये तुम ही जैसा बशर है जो कुछ तुम खाते हो वही वो खाता है और जो कुछ तुम पीते हो वही वो पीता है अब अगर तुमने अपने ही जैसे एक बशर की कबूल कर ली तो तुम घाटे ही में रहे ये तुम्हें इतला देता है कि जब तुम मर कर मिट्टी हो जाओगे और हड्डियों का पिंजर बन जाओ बनकर बन रह जाओगे उस वक्त तुम खबरों से निकाले जाओगे बीद बिल्कुल बईद ये वादा जो तुमसे किया जा रहा है यानी कि ये हो ही नहीं सकता है ऐसा कैसा जब हम मर जाएंगे और मिट्टी हो जाएंगे तो क्या फिर हम दोबारा उठाए जाएंगे ये तो जो नबी है ये ऐसी बातें बता रहा तो ये कैसे हो सकता हाउ इज देट पॉसिबल ऐसे हो ही नहीं सकता तो वो ये आखिरत पर यकीन रखने वाले नहीं थे अब देखिए कि आज के ज़माने में भी लोग ऐसी जिंदगी गुजार रहे जैसा यही जिंदगी में जो है उनको हमेशा हमेशा रहना है और आखिरत को भूल गए हुए हैं एक होता है अपने जबान से इनकार करना ठीक है वो तो खत्म इनकार कर दिए तो फिर वो तो काफिर हो गए एक होता है कि जबान से तो नहीं बोल रहे पर अमल से ऐसी जिंदगी गुजार रहे कि आखिरत को बिल्कुल भुलाए हुए हैं और वो खबर की तैयारी नहीं है वो एहसास नहीं है तो फिर ये भी जो है एक किस्म का इनकार ही है तो उन्हों क्या बोल रहे कि वो बोल रहा है कि हम जब मर जाएंगे तो खबरों से उठाए जाएंगे बईद बिल्कुल बईद हई हाथा हई हाथा लिमा तू आद उन ये जो तुमसे वादा किया जा रहा है ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल वादा जो है हमको नजर आ रहा है जिंदगी कुछ नहीं है मगर बस यही दुनिया की जिंदगी है जो कुछ है खाओ पियो मजे करो किसने देखा भाई मर के दोबारा उठना है कौन देखे कौन दोबारा मर के आज तक कोई आया क्या दुनिया में कौन बोले मर के मरने के बाद दोबारा हम आठाया जाएगा तो आ, कोई भी अब तक तो एक्सपीरियंस नहीं करे तो फिर क्या गारंटी है अब जो भी दुनिया है जिंदगी यहीं पर गुजार लो चलो ठीक है ओके हम मान भी लेते हैं कि वाकई में चलो कोई भी नहीं आया अगर तुमको नबी की बात पर यकीन नहीं है तुमको अल्लाह के कलाम पर यकीन यकीन नहीं है जो मोजाना कलाम है जो अल्लाह ताला की तरफ से नाजिलवा यकीन नहीं है चलो हम भी तुम्हारी तरह दिमागी जो है दलील को एक्सेप्ट करेंगे तो हाँ भाई चलो कोई नहीं आया दुनिया में आज तक मरने के बाद कोई नहीं आया पर अब यहाँ पर एक सेकेंड के लिए सोच के देखो कि अगर मरने के बाद दोबारा कोई उठना नहीं है वाकई में नहीं है जैसा इन लोग बोल रहे वाकई में नहीं है दोबारा उठना तो जो इंसान दुनिया में शराफत की जिंदगी गुजारता है लोगों को जो है अदा करते हुए जिंदगी गुजारता है और अपनी जिंदगी रब की बंदगी में गुजारता है और वो मर जाए तो फिर उसका जो है मरने के बाद अगर वो दोबारा नहीं उठाया जाएगा तो क्या हुआ भाई उसका लॉस क्या हुआ दुनिया में तो एक अच्छा इंसान बन के मरा मरने के बाद भी लोग उसको अच्छे नाम से याद करेंगे चलो दोबारा नहीं उठा जन्नत दो जख्त नहीं होंगी चलो जान दो पर अगर इन केस अगर इन केस दोबारा उठना है तो जो इंसान तो अच्छी जिंदगी गुजार लिया उसकी तो फलाह ही फलाह है पर जो इंसान उसको भुलाकर जिंदगी गुजारा अगर वाकई में अल्लाह ताला क्यामत के दिन उठाएंगे और उठाकर वहां पर सवाल करेंगे तो तब तुम्हारा क्या बनने वाला है ये बताओ तुम ठीक है हमारा तो वैसे दोनों तरीके से नुकसान तो है नहीं कि दुनिया में अगर चलो ऐसी जिंदगी भी गुजार लिए थोड़ी सी सेक्रीफाइस कर लिए थोड़ा सा जो है अपने नफ्स पे काबू करके जिंदगी गुजार लिए तो चलो अच्छे ही कहलाए ना मरने के बाद लोग अच्छे से याद रखेंगे पर तुम्हारा क्या हाल होगा अगर तुमने ज़िंदगी दुनिया, दुनिया कुरान में, में, हाँ, में बताया गया है तुमको उठाया जाएगा तो ख्यामत में तुम्हारा क्या बनेगा तुम वहां पर क्या करोगे वहां पर कहा भाग कर जाओगे वहां के नुकसान से कैसे बच सकोगे तो ये जो ये जो आज जो हर कोई चीख चीख कर कह रहा है कि दुनिया की जिंदगी बस वही है जो अब यहाँ पर है कौन देखे आखिरत तो उसका हमको रिस्क नहीं लेना है दुनिया में देखिए कि कोई मामले में हम रिस्क नहीं लेते पर आखिरत में हम जो है बड़ी लापरवाही के मामला करते हैं तो हमको उसकी तैयारी करना है और फिर हम तो इसीलिए करते हैं भाई क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में बता दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से हमको ये बात मिल गई तो बस हमारा तो आमन्ना व सद्दखना है हम तो उस बात पर यकीन करते हैं और अखली दल के हिसाब से भी हम जो है सेफर साइड है और जो इसका इनकार करने वाले हैं उनको फिकर करनी चाहिए कि फिर उनका क्या बनने वाला है यही 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 हम मर, यही हमको हमको मर मरना है और जीना है और हम हरगिज उठाए जाने वाले नहीं हैं ये शख्स खुदा के नाम पर महज झूठ घड़ रहा है यानी कि अल्लाह ताला क्या इंसान को सिर्फ जीने और मरने के लिए और मौज मस्ती करने के लिए अल्लाह ताला पैदा करे अल्लाह ताला तो एक मकसद के लिए पैदा करे और इंसान जो ये कह रहा कि अल्लाह ताला दो बारा नहीं उठाएंगे यह सबसे बड़ा झूठ है जो इंसान अल्लाह की तरह मनसूख करता है जिसकी शिकायत अल्लाह खुद हदीस खुदी में फरमाते हैं कि आप अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि इंसान जो है मुझ पर झूठ घड़ता है और इंसान मुझे गाली देता है इंसान का मेरी तरफ जो है झूठ घड़ना या झूठा कहना यह है कि मैं दोबारा उसको नहीं उठाऊंगा और गाली देना यह है कि मैंने औलाद बनाई है तो देखिए कि यह अल्लाह की शिकायत है और अल्लाह ताला बोले कि हम झूठ घड़ रहे हैं कि हम दोबारा नहीं उठाए जाएंगे तो अल्लाह ताला बोले कि क्यों नहीं उठाए जाएंगे ज़रूर उठाए जाने वाले हैं तुमको पैदा ही इसीलिए करे हैं अल्लाह ताला के आखिरत में तुमको उठाया जाएगा और तुम्हारे आमल के जजा और सजा तुमको दी जाएगी और हम कभी इसके मानने वाले नहीं हैं रसूल ने कहा परवरदिगार यानी कि ये कौन रसूल है ये एक्स वाई जे रसूल है या फिर जनरल हर रसूल है ठीक है समझ में आ रहा किस किसके कौन से रसूल की तरफ बात की जा रही है नहीं बताया गया है या फिर हो सकता है कि हर एक रसूल को एक जनरल अल्लाह ताला जो है यहाँ पर कैटेगराइज कर रहे कि रसूल ने कहा परवरदिगार इन लोगों ने जो मेरी तकजीब की है मुझे झुटलाया है इस पर अब तू ही मेरी नुसरत फरमा जो अब आ, फिर जवाब में इर्शाद हुआ करीब है वो वक्त जब ये अपने किए पर पछताएंगे तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि अच्छा तो अब अन खरीब जो है सजा मिलेगी और जब वो सजा को देखेंगे तो फिर अपने किए पर पछताएंगे आखिरकार ठीक ठीक हक के मुताबिक एक हंगामा अजीम ने इनको आ लिया क्या हुआ एक बड़ा सब बिलहक जो है अल्लाह ताला बता रहे सयाहतु बिलहक के बड़े एक जो है धमाके ने उनको आ लिया हक के साथ उनको आ लिया और फिर अल्लाह ताला उनको क्या बनाए गुस्सा ताला ने उनको गुस्सा आ बना दिया अल्लाह ताला ने उनको कूड़ा करकट बना दिया कचरा उनको बना दिया अल्लाह ताला देखिए गुस्सा अन एक्चुअली किसको कहते हैं जैसा तेज बारिश आने के बाद या फ्लड आने के बाद या जो है जो पानी जो बहता है तो पानी जब बहता है तो पूरे नदी नाले और जो सिटी है इन सिटी में भी जो है जैसा बहता है तो सब अपने अंदर जो है कचरा कूड़ा करकट और फिर जो पत्ते सूखे हुए जो पत्ते होते हैं या फिर जो भी गंदगियाँ जो भी होती हैं तो वो तमाम जो है फ्लड आने के बाद क्या होता है जब पानी बहते रहता तो आप देखिए कि उसके अंदर कितना कि जो है उसके सरफेस पर कचरा होता है तो ये कचरे को जो है गुस्सा कहते हैं ठीक है थीके? तो ये कूड़ा करकट जो पानी बारिश आने के बाद या फ्लड आने के बाद जो कचरा होता है या जो झाग होता है ऊपर गंदगी जो होती है उसको कहते हैं तो अल्लाह है। तो क्या बता रहे कि फिर फिर एक जबरदस्त धमाके ने उनको आ लिया। फिर उनको क्या बना दिया अल्लाह कूड़ा करकट बना दिए कचरा उनको बना दिए गंदगी उनको बना दिए और फिर वो गंदगी क्या हो गई अब जो गंदगी क्या है होती है कूड़ा करकट कचरा कहां पर जाने के लायक होता है डस्टबिन में और अल्लाह की डस्टबिन क्या है अल्लाह ताला की डस्टबिन जहनमु की आग है जहन्नम में अल्लाह ताला वैसे लोगों को भेज देंगे फबूमिन फिर अल्लाह तला बोरे दूरी हो जाओ फबुदा का मतलब क्या है कि जैसा हम बोलते ना गेट लॉस्ट बोलते या दफ़ा रहो दफा हो जाओ दफ़ा रहो जो बोलते तो अल्लाह तला बोरे कि ऐसे ालिम कौम जो अल्लाह तला को भूल कर अल्लाह तला के साथ शिरक कर कर जिसने जुल्म किया था और अल्लाह की नाफरमानी करके अपने ऊपर जुल्म किया था तो ऐसी ालिम कौम को अल्लाह तला बोरे कि गेट लॉस दूर हो जाओ और फिर अल्लाह आगे फरमाते हैं आयत नंबर फोर्टी टू में फिर हमने इनके बाद दूसरी कौमें उठाई कोई कौम ना अपने वक्त से पहले ख़त्म हुई और ना इसके बाद ठहर सकी फिर हमने पैदर पे एक, एक के बाद एक के बाद एक रसूल भेजे जिस कौम के पास भी इसका रसूल आया उसने उसे झुटला दिया अब देखिए कि अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसानों की हिदायत के लिए मुसलसिल एक के बाद एक के बाद अल्लाह ताला रसूल भेज भेजते गए और अल्लाह ताला ने आज ज़मीन और आसमान बनने के बाद आज तक एक ज़माना भी ऐसा नहीं आया जब जो

100 का फर्क है उसके अलावा जितने पहले गुजरे वो हमेशा की तरफ, तो तरफ लूतम जो है भेजे गए हैं तो एक के बाद एक दो दो तीन तीन रसूल जैसा सूर्य यासिन में इनशाला हम लोग आगे देखेंगे तीन रसू उनके ऊपर जो है पैदल जो है भेजे तो रसूल हमेशा क्या है एक साथ आते थे और जैसा रिवायत में आता ना कि एक लाख चौबीस हजार ताला ने भेजे। हो सकता उससे भी एक 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 ती जाती है तो हमेशा अल्लाह तला ने दुनिया में इंसानियत को बगैर हिदायत के नहीं छोड़ा नबी आते थे और नबी के बाद उनकी तलीमत मौजूद और बाकी रहती थी फिर उसके बाद अल्लाह तूसरे नबी उनको करेक्ट करने के लिए भेजते थे तो ये अल्लाह तला का बहुत बड़ा एहसान है सबसे बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत के लिए रसूल और किताब भेजी क्या है अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान कि हमारे लिए अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत के लिए रसूलों और किताबों को अल्लाह ताला ने भेजा ताकि लोग उसको जो है सीखे पढ़े समझे और उसके ऊपर अमल करके अपनी हमेशा हमेशा की जिंदगी की निजात हासिल कर ले जिस कौम के पास भी इसका रसूल आया उसने छुटलाया अब देखिए कि जब जब इतना बड़ा एहसान है अल्लाह ताला का इतनी बड़ी अल्लाह की नेमत है तो क्या हम इसकी कदर नहीं करेंगे क्या हम ऐसे ही हलाक याफ्ता जो कौमें पहले गुजर चुकी थी जिसको अल्लाह तला ने गुस्सा बना दिया कचरा बना दिया क्या हम उनके तरह झुटलाएंगे क्या हम भी आज कुरान का इनकार करेंगे कुरान को अपनी जबान से झुटला रहे कभी अमल से झुटला रहे कभी नबी का इनकार रहे कभी नबी के हदीसों का इनकार कर रहे क्या हम ऐसी कौम की पैरवी करेंगे क्या हम अपने जो है साहबा इकराम जिससे जो है रदी अल्लाह रद का जिसको लकब मिले तो अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे कि उनको जब अल्लाह ताला ने उनके पास रसूल भेजे तो उन्होंने क्या किया उसको झुटला दिया और हम एक के बाद एक قوم को हलाक करते चले गए एक के बाद एक रसूल भेजे और हर एक रसूल को उन्होंने झुटलाया एक के बाद एक अल्लाह ताला उनको हलाक करते चले गए हत्ता के उनकी उनको बस अफसाना ही बनाकर छोड़ा यानी कि बस कहानियाँ वो जो है बनकर बाकी रह गई फिटकार उन लोगों पर जो ईमान नहीं लाते तो अल्लाह ताला बोल कि दूरी है और फिटकार है अजाब है आ, उनके ऊपर जो ईमान नहीं लाते तो अब देखिए कि अल्लाह ताला के पास कुछ लोगों का बहुत वजन है और कुछ लोग अल्लाह के नजदीक कचरा है ठीक है जरा गौर से सुनिए क्या बताइ मैं कि अल्लाह के नज़दीक कुछ लोगों का बहुत वजन है और कुछ लोग अल्लाह के नजदीक कचरा हैं किसके पास अल्लाह के किसके किसका वजन अल्लाह ताला के पास बहुत ज्यादा है जो ईमान का वजन अपने दिल में रखता है जिसके दिल में ईमान है उसका वजन अल्लाह ताला के नजदीक बहुत है तो वैसे ईमान वालों को वैसे प्रेश लोगों को फिर अल्लाह ताला जन्नत के ऊंचे दर्जात में डालेगा जैसा हम जो है क्या करते हैं कोई प्रेशर्स चीज़ है तो उसको उठा उठा कर संभाल कर ऊंची ऊँची जगहों पर रखते हैं और कुछ को कचरा जो है अल्लाह ताला अल्ला ने जो हल्के जिसके अंदर ईमान नहीं है तो वो क्या है हल्के कचरे हैं तो वो कचरा को अल्लाह ताला अल्ला जहन्नुम की आग में फेंक देगा तो अल्लाह ताला अल्ला के नजदीक एक इंसान की अहमियत सिर्फ और सिर्फ उसके ईमान की बुनियाद पर होती है चाहे वो दुनिया के एतबार से कितना ही बड़ा माहिर हो कितना ही तुर्म खान क्यों ना हो अल्लाह ताला के नजदीक जो है उसकी अहमियत सिर्फ ईमान के ऊपर मबनी है फिर हमने मूसा और उसके भाई हारून को अपनी निशानियों और खुली सन्नत के साथ अल्लाह फिरौन की तरफ रवाना किया फिरौन की तरफ भेजे अब देखिए कि अल्लाह ताला पहले न, पहले जो है यानी कि सिलसिले में जैसा हम लोग इससे पहले पढ़े थे ना कि नू आम से लेकर मूसा सलाम तक का जो, जो जिक्र है तो छः अम्बिया इकराम का बार बार जिक्र है तो अब अल्लाह ताला क्या करे शुरू में नू आम का जिक्र करे उसके बाद फिर आखिरी मूसा सलाम का जिक्र करे और बीच में एक एक्स वाई एक जेड जो है नबी का जिक्र करे यानी कि वो तमाम अम्बिया की तरफ जो है मुखातिब थे और हर किसी अब उसके बाद अल्लाह ताला आखिरी यहाँ पर बता रहे कि फिर मूसा और ईसा सॉरी मूसा और हारून उसके बाद का पर जिक्र आएगा तो फिर अल्लाह ताला क्या बता रहे फिर उसके उसके ने सल्तनत की तरफ यानी कि उसके जो सल्तनत में जो उसके एल्चिया थे उसके जो यानी कि चमचे थे उनकी तरफ अल्लाह ने भेजा मगर उन्होंने तकबर किया और बड़ी और फिर क्या है बड़ी दूँ की ली और क्या मतलब है कि उन लोगों ने तकबर किया और फिर अपने आप को बहुत बड़े समझे और अल्लाह ताला की आयतों का इनकार किए और कहने लगे क्या हम अपने ही जैसे दो आदमियों पर ईमान लाएंगे अब फिर से वही बात क्या कि अपने ही जैसे हमारे जैसे बशर के जैसे ईमान लेकर आएंगे अच्छा और फिर और और आदमी भी वो जिनकी कौम हमारी बंदी है यानी कि बनी इसराइल क्या है बनी इसराइल में से थे ना मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम तो एक तो इंसान है उनकी बात मानना फिर ऊपर से वो जो गुलाम तबके से फॉलो यानी कि बिलोंग करते हैं तो क्या उनसे अब ये देखिए कि ये तमाम बहाने हैं हमारे जैसा खाते पीते हमारे जैसे इंसान हैं या हमारे गुलाम है या हमसे कमतर है या हमसे जो है गरीब है जैसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या बोले कि सौ को छोड़ के एक यतीम की तरफ कहीं को अल्लाह ताला जो है नबूवत भेजे तो तो अब ये उनके बहाने थे बस उन्होंने दो, दोनों को दिया और हलाक होने वालों में जा मिले और मूसा को हमने किताब अता फरमाई फर्मा, ताकि लोग इससे रहनमाई हासिल करें किताब का मकसद क्या है कि लोग उससे रहनमाई हासिल करें? कुरान का मकसद क्या है ताकि हम इससे रहनमाई हासिल करें और रहनुमाई का मतलब क्या है कि हमारी हिदायत का रास्ता हम इससे पा लें इससे हम जान लें और फिर उसके बाद अब यहाँ पर ईसा ईसीम का जिक्र है और इबन मरियम और इसकी माँ को यानी कि ईसा आलियम को और इसकी माँ को यानी कि बीबी मरियम को हमने एक निशान बनाया और इनको एक सतह मुर्तफ़ा पर रखा यानी कि एक ऊँची बुलंद जगह पर रखा जो इतमान की जगह थी और चश्मे इसमें जारी थे यानी कि अल्लाह तला ने उनको दुनिया में अमन और हिफाज़त से का मतलब क्या है कि ईमान और हिफाजत के साथ अल्लाह ताला ने उनको तमाम से बुलंद करके रखा क्योंकि इनके ऊपर जो यहूदी थे जानलेवा हमला करना चाह रहे थे और फिर ईसा इस्लाम और बीवी मरियम दोनों को नुकसान पहुँचाना चाह रहे थे तो अल्लाह तला ने उनकी हिफाजत फरमाई फिर उसके बाद अल्लाह नंबर वन में फरमाते हैं कि ए पैगम्बरों खाओ आ खाओ पाक चीजें अब यहाँ पर तमाम पैगंबरों को रसूल का जिक्र है यानी कि अम्बिया इक्राम की जमा ठीक है रसूलों की जमा तो अल्लाह ताला क्या बोल रहे या, या पैगंबरों जितने भी अम्बिया इकराम गुजरे हुए हैं सबको मुखातिब करके बोल रहे क्या कुलू मिन तो मिनत तो के खाओ पाक चीजें व, व, और पर क्या करने का है पर पाक चीजें खाकर अमले सालेह करो क्या है वामलू के पर तुम्हारे कंडीशन क्या है पाक चीजें खाने के बाद को अमले सौले करना है यानी कि अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि दुनिया में जो अल्लाह ताला ने तुमको नियमतें अता की है उसका इस्तेमाल करो पर कंडीशन ये है कि तुम अमल अच्छे रखना है अमल शर्त है तुम्हारी अच्छे सौले अमल जो है तुम्हारी शर्त है तुम जो कुछ भी करते हो मैं इसको ख़ूब जानता हूँ तो अल्लाह ताला बोल कि जो भी तुम अमल करे उसको ख़ूब जानते हैं अब यहाँ पर गौर करिए देखिए कि अल्लाह ताला तहाँ पर क्या बता रहे हैं कि रिस्क हलाल खाना है और अमल सवाले करने का है अब इसमें मुफसरन बताते हैं कि हमारा हम जो रिस्क खाते हैं उसका असर हमारे इबादत पर भी पड़ता है हमारे अमाल पर पड़ता है अगर हमारा रिस्क हलाल हो हमारा रिस्क पाकिज़ा हो अगर किसी का जो है जुलमाना ालिम तरीके से हमने किसी का माल हड़प नहीं किया हो प्योर हमारा रिस्क है तो फिर हमारे आमाल भी उसके मुताबिक अच्छे हो जाते हैं खुद ब खुद नेकी की तोफीक मिलते जाती खुद ब खुद अच्छे अमल की तोफ़ी मिलते जाती और फिर हमारे औलाद भी क्या हो जाती नेक सौले बन जाती है अगर हमारा रिस्क जो है हम उनको हलाल हम खुद खाएं और उनको हलाल खिलाएं अगर हमारे रिस्क जो है हलाल नहीं है बल्कि हराम का रिस्क है हमारा किसी का हड़प किया हुआ किसी का छीना हुआ किसी का जो है जुलमाना जो है मारा हुआ माल है या किसी का हक जो है हम नहीं देकर जो है से छुपा लिए और वो बेचारे को खबर भी नहीं है कि ये माल तो उनकी एक्चुअली अमानत थी तो इस तरीके का जो माल हम कमाते हैं या जो भी हराम जो तरीका है उससे जो भी हम माल कमाते हैं तो अल्लाह ताला बोले कि उसका असर क्या होता है हमारे इबादात पर पड़ता है और फिर हमारे इससे जो है नकियों की तोफीक छीन ली जाती है या फिर हम जो इबादात करते हैं वह कबूल ही नहीं होते ठीक है हम जो इबादत करते हैं वो क्या होता है वो कबूल ही नहीं होते तो एक अमल जब कबूल होता तो दूसरे अमल की तोफ़ी होती है एक अमल कबूल ही नहीं हुआ तो दूसरे अमल की तोफीक कहाँ से होगी तो तमाम जो है अमाल की तोफ़ी छीन ली जाती है और उसके जो है जिसम जहानुम के काबिल बन जाता है उसका जिसम क्या होता है जहन्नुम के काबिल बन जाता है आप अलैहि वसल्लम और साहबा इक्राम हलाल रिस के बारे में बहुत मोहतात रहते थे और हर चीज़ हर एक लुमा खाने से पहले तहकीक करते थे कि ये जो लुमा है ये हलाल है या आया हराम है अगर खाने के बाद भी अगर मालूम होता कि ये जो रिस्क जो निवाला उन्होंने खाया है वो हलाल नहीं था वो किसी का मारा हुआ था तो वो फिर क्या करते थे खय कर कर उंगलियाँ डाल कर खय कर कर वो तमाम जो है वॉमिट कर कर निकाल देते थे तो अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि कितना क्योंकि वो हलाल जो एक एक लुमे का जो रिस्क है वो हमारे आमाल पर असर अंदाज़ होता है हमारी इबादत हमारी दुआओं पर हमारी खशियत पर हमारा जो अल्लाह तला से ताल्लुक नमाज के अंदर जो कैफियत और तमाम इबादत की जो कैफियत है वो तमाम चीजों का असर क्या असर, उसके ऊपर जो है हमारा रिस्क का असर होता है तो हमारे को बहुत एहतियात करने का है देखिए कि अगर हम खुद कमाते हैं तो हम उसमें एहतियात करेंगे अगर हम नहीं कमाते तो हम अपने बाप को अपने बेटे को अपने शोहर को अपने भाई को हम सब बत, हम उनको जो है बताएंगे पूछेंगे चेक करेंगे कि कहीं ये तो नहीं है कहीं ऐसा तो नहीं है देखिए कि एक एक जैसा कल भी हम जो है अमानत के बारे में पढ़े जिम्मेदारी के बारे में पढ़े तो हम जो है जिस तरीके से नौ से पांच तक अगर हम कमिटेड है और नौ से पांच के बीच में अगर हम आ, जो आधा घंटे का हमारा आ, लंच ब्रेक है या जो भी आपको ब्रेक दिया जा रहा अगर आप आधे घंटे के बदल थर्टी फाइव मिनट्स कर रहे तो फाइव मिनट्स जो आप एक्स्ट्रा जो टाइम ले रहे वो फाइव मिनट्स का जो माल आप कमाए वो माल आपका सैलरी जो आई वो हराम है आपकी दस मिनट की सैलरी वो हराम है आजू बाजू बैठ के बातें कर रहे या फिर जो है कुछ मोबाइल पे देख रहे या घर पे जो है इस तरीके से कोई भी यानी कि गलत वो वक्त का इस्तेमाल कर रहे और जो काम की जिम्मेदारी आपके ऊपर दी गई है अगर हम वो काम नहीं करेंगे तो फिर यहाँ पर क्या है कि वो दस मिनट वो पांच मिनट वो तमाम जो है माल क्योंकि जब आपकी सैलरी आपको महीने के बाद मिलती है तो वो तो आपके नौ से पांच के हिसाब से आपको सैलरी मिल रही या जो भी दस घंटे नौ घंटे आठ घंटे जो काम करे एक घंटा या दो घंटे जो आप काम करें उसकी आपको सैलरी मिले जब आप वो काम कर रही नहीं वो वक्त में तो वो आपका चाहे एक रुपया ही क्यों ना हो सकता पांच मिनट

नहीं मालूम रहते हुए जो हम काम करते हैं ना दानिशतगी में जो हम काम करते हैं तो वो अल्लाह ताला फिर माफ कर देते हैं जानबूझकर हम जो है इस तरीके से बेकार कर रहे हैं तो वो चीज फिर हमारे लिए क्या हो जाएंगी हराम हो जाएंगी यहाँ तक कि अब कि ये भी मैं अब यहाँ पर जब पाक और तयब की बात आ गई तो अब देखिए कि, कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है या कोई जो है जॉब ऑफिस में जो है जॉब करते हैं तो जैसा होता है ना कि ऑफिस वाले आपको कोई चीज प्रोवाइड करते हैं आपको कोई बुक प्रोवाइड करें आपको एक पेन प्रोवाइड करें आप अगर स्कूल में टीचर

की चीजें घर में लेकर आते क्या है घर में अरे घर में भी बोर्ड है ना बच्चों को ट्यूशन लेते हैं। चौक से पढ़ा लेती हूँ तो स्कूल का चौक आप घर में लेकर आकर पढ़ाते वो चौक अब आपके लिए हराम है वो चौक आप इस्तेमाल नहीं कर सकते यहाँ पर एक्चुअली मैं चौक या पेन या पेपर की जो बात कर रही हूँ यानी कि छोटी चीजों की मैं बात कर रही हूँ तो अब इसका मतलब कि भाई सवाल ही नहीं पैदा होता बड़ी चीजों का तो सवाल ही नहीं पैदा होता बाज लोग क्या समझते हैं कि पूरा जो है अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बना लेते अब अब देखिए कि इसके बारे में एक एक एग्जाम्पल इतना प्यारा एग्जाम्पल है जैसा जो है उमर रजत क्या करते थे कि जब उमर रजत अपने जब आप खलीफा बने तो जब आप गवर्नमेंट अपॉइंट करते थे गवर्नर जब आप अपॉइंट करते थे किसी भी जगह का गवर्नर जब आप किसी को बनाते थे तो आप उनको बुलाते थे बुला के जो है आप बोलते थे ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है आपको ये काम करने का है फिर आप उनकी पूरी ऑडिटिंग करते थे अच्छा अभी वक्त आपके पास कितने पैर के जूते जूते कितने पैर है भाई आपके पास नहीं भाई मेरे पास पांच पैर जूते हैं ठीक है चलो आपके पास कितने कपड़े हैं अच्छा पांच जोड़ कपड़े हैं चलिए आपके पास कितने घर है एक घर है चलिए फिर उसके बाद आपके पास कितना माल माल है इतमाल है उसके बाद वो शख्स जो गवर्नर है ठीक है जो गवर्नर है पूरी जो है यानी कि इराक का समझो गवर्नर का कहीं भी जो है का तो कहीं का भी जो है गवर्नर है तो फिर उसके बाद जब उस तो जब उनका रिटायरमेंट पीरियड आता था तो फिर उन्होंने जो है पूछते थे कि तुम जो दस साल जो सर्विस करे तुम जो पांच साल सर्विस करे उसके बाद जो तुम अगर पांच तुम्हारे जूते थे और पांच के बदल अब सात जूते हो गए तुम्हारे पास तो ये जो दो जूते हैं ना तुमने पब्लिक प्रॉपर्टी से ये दो जूते कमाए हैं तो लिहाजा ये दो जूते तुम्हारे नहीं है बल्कि पब्लिक के चलो वापस करो तो इतना यानी कि वो दस साल जो सर्विस दिए दस साल जो भी सर्विस दिए जो भी अब बस आपके खाने पीने के हिसाब से आप जितना लेना है ले सकते हैं एक्स्ट्रा आप जमाने के लिए कुछ भी नहीं ले सकते तो जो भी एक्स्ट्रा उनके पास कोई माल उन्होंने जमाते थे कोई भी गवर्नर जमाए जैसा उनको दिखता था तो वो चीज़ बोलते थे कि ये बैतुल माल का है ये पब्लिक प्रॉपर्टी है इसके ऊपर आपका कोई हक नहीं है आप ये कहाँ से कमाए अगर आप ये कमाए हुए हैं अपनी कोई दूसरी मेहनत से तो फिर अब आप उसका रीजन पेश करो कि आपने ये जूते कहाँ से कमाए हैं तो इतनी बारीकी से नजर रखा जाता था

ऑफिस का काम कर रहे हैं तो वो टाइम पे वो लैंप जलाते थे जिसमें क्या है किसका उमर बिन अब्दुल अजीज की बात नहीं करी मैं उमर बिन खत्ताब की बात करी मैं तो यहाँ पर जो भी आ, जो आ, थी आ, क्या बता रही थी मैं यही डिस्ट्रैक्शन हो जाता बस्मिल तो जो बत्ती जो इस्तेमाल करते थे तो वो बत्ती क्या है जब आप ऑफिशियल काम कर रहे हैं तो वो बत्ती इस्तेमाल करते थे जब आप घर का काम कर रहे तो वो बत्ती गुल कर देते थे और अपना जो है प्राइवेट बत्ती जो है जलाते थे प्राइवेट कैंडल जो है लिट करते थे तो इतनी एहतियात तो देखिए कि हमको भी बहुत एहतियात करने का है खाने पीने के मामले में और यानी कि अब खाने पीने का मतलब हमारा जो रिस्क है वो हमारा रिस्क है हलाल होना है क्योंकि अल्लाह तला बता रहे है कि अल्लाह खूब जानता है कि जो कुछ तुम अमल करते हो तो अल्लाह तौला इसके ऊपर अमल की तोफ़ी अता फ़रमाएं फिर अल्लाह आगे आयत नंबर फिफ्टी टू में अल्लाह ताला फरमाते हैं और यह तुम्हारी उम्मत एक ही उम्मत है क्या बोल रहे अल्लाह ताला और यह तुम्हारी उम्मत एक ही उम्मत है और मैं तुम्हारा रब हूं बस मुझे से तुम डरो मगर बाद में लोगों ने अपने दीन को आपस में टुकड़े टुकड़े कर लिया तो अब इससे पहले भी हम लोग ये सिमिलर आएत पढ़े थे कि क्या है कि लोग क्या करते हैं अपने दीन को टुकड़े टुकड़े बना देते हैं एक तो पूरा जो दीन था आदम अलैहिस्सलाम से आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वो दीन को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिए क्या ईसाई बन गए कोई यहूदी बन गए कोई मजूसी बन गए कोई कुछ और कोई कुछ और नामों में जो है तब्दील हो गए ठीक है तो ये टुकड़े टुकड़े हो गए दीन क्या था एक ही था आदम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आखिरी जो है उम्मत के आखिरी इंसान तक एक ही दीन एक ही तरीका दीन का मतलब क्या है जिंदगी गुजारने का तरीका अल्लाह ताला ने एक ही रखा तो लोग उसको डिवाइड कर लिए टुकड़े टुकड़े बना लिए अब दूसरा क्या है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात आ गई तो आज हम जो है डिफरेंट डिफरेंट सेक्ट्स में जो है डिवाइड हो गए हुए हैं इतने सारे डिवियंस जो है हमारे अंदर पाए जाते हैं तो लोग अलग अलग टुकड़ों में बट गए इस्लाम यानी कि नाम तो इस्लाम ही है नाम तो मुसलमान ही है नाम तो मोहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम के उम्मती ही है पर उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों में टुकड़े टुकड़े बनकर कट कर फिर अल्लाह ताला बता रहे और हर गिरोह के पास जो कुछ है वो उसी में मगन और खुश है और ऊपर से क्या है यानी कि एक तो पिक एंड चूज वाली बात हो गई मर्जी में जैसा अपने अपने हिसाब से जो है जो शरीयत में पसंद आ गया अपने हिसाब से पिक एंड चूज कर लिए और फिर जो कर लिए अपने हिसाब से फिर उसमें खुश भी है अपने आप को सही भी समझ रहे अपने आप को जो है उसके अंदर मगन भी है और अपने आप कुछ सही दे रास्ते पर जो है समझ रहे और जो असल जो तालीमत है कुरान और हदीस की उसको भूल गए हुए हैं तो देखिए कि यहाँ पर हमको क्या नसीहत मिल रही कि हमको इस्लाम के टुकड़े नहीं करना है हमको इस्लाम में फ़िरकों में तब्दील नहीं होना है अलग अलग सेक्ट्स में जो है हमको नहीं बटना है और फिर हमको एक तालीम को वाय तस्म बेहबिला जमी अन बनना है यानी कि अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थाम लेने का है तो आज भी हम देखते हैं ना कि कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट जो है तरीकों से लोग अपने अपने नाम भी रखे हुए हैं अब कई बार ये चीजों का डिस्कशन हो चुका है और मैं कई बार बता भी चुकी हूँ कि नाम अपने अपने अलग अलग रख लिए हुए हैं और उसी के ऊपर मगन हैं खुश हैं और फिर अपने आप को सही भी समझ रहे अच्छा अब यहाँ पर देखिए कि एक तरफ ये बात ठीक है? है चलो हमको टुकड़ों में नहीं बटने का है 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 ठीक पर आज जो जो बाज ऐसे ग्रुप्स भी बने हुए हैं सिर्फ क्या कर रहे सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन उनका किसपे है कि देखो लोगों को जो है ये गलत तरीका है ये गलत तरीका यह गलत तरीका यह गलत तरीका बताने में और लोगों को करेक्ट करने में लगे हुए हैं और उनको सही तरीके की एजुकेट नहीं कर रहे कि इंस्टेट uh, उनको ये करना कि एजुकेट करना है सही तरीके का वो चीज पे फोकस करने से ज्यादा जो है किसमें लगे हुए हैं इन्हू ये जो कर रहे हैं गलत है उन वो जो कर रहे गलत है हाँ भाई उन जो भी करे गलत है तुम गलत है, गलत है गलत है गलत है बोलने के बदल क्या सही है क्या सही है क्या सही है बताओ ना कभी भी याद रखिए हमारे दावत का तरीक़ा क्या होना है कभी भी हमको तोहद की बात बताने का है खुद ब खुद लोग तौहीद समझ जाएंगे तो शर्क से बचेंगे हमको सुन्नत क्या है बता देने का है सुन्नत की तलीमत देंगे तो लोग बिदत से खुद ब खुद बचेंगे ना कि हम जो है एक 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 चीज़ों को गिनाते बस आप वाइट जो है सुन्नत का तरीक़ा क्या है कि हाँ, ज़िंदगी का हर अमल नबी के तरीक़े पर हो खत्म हो गई बात अब आप अपना हर कोई अपना अपना इंडिविजुअल अमल चेक कर लेना ना बेटाली कर लें कि आपका अमल नबी के तरीके पर है या नहीं है ख़त्म हो गई बात तो हम जो है हाँ ये ऐसा भी नहीं बता रही हूँ मैं कि आपको गलत के बारे में बताना ही नहीं है क्योंकि गलत के बारे में भी बताएंगे तो फिर सही और गलत का फ़र्क भी मालूम होगा जैसा हुजैफा बिन यमान बोलते थे ना कि लोग जो है हमेशा क्या चीज़ जायज़ है और क्या चीज़ इबादत है पूछते हैं और मैं जो है क्या चीज़ हराम है और क्या चीज़ अल्लाह की नाराजगी वाला अमल है वो मैं पूछता हूँ ताकि मैं उससे दूर दूर तक भी उसके करीब ना जाऊँ और मैं उससे बच जाऊँ ठीक है तो वो भी हमको करने का है डेफ़िनेटली पर सिर्फ उस पर फोकस ना करें और सही तालीमत को ही भूल जाए तो सही तालीमत भी देना है और साथ में जहाँ जहाँ ज़रूरत है तो वो चीज़ों की करेक्शन भी हमको करने की है फिर अल्लाह तला यहाँ पर बता रहे कि आयत नंबर फिफ्टी में कि अच्छा तो छोड़ दो उन्हें और फिर जो है डर uh, अच्छा द, आ, आ, दबे रहें अपनी आ, अपनी ही गफलत में एक वक्त खास तक यानी कि उसी में जो है वो लोग मुब्तला रहे या वही गफलत में जो है उन्होंने डटे रहें और और उनको जो है उनके अपने हाल पर छोड़ दो क्या ये समझते हैं कि हम जो उन्हें माल और औलाद से मदद दिए जा रहे हैं तो गोया उन्हें भलाइया दे, देने में सरगर्म है यानी कि अल्लाह तला की जो नियमते अल्लाह तला ने उनको अता की है क्या वो लोग ये समझ रहे हैं कि अल्लाह तला तो उनके ऊपर मेहरबान है और अल्लाह तला उनको जो है देने में जल्दी जल्दी कर रहा है और उसी में अल्लाह ताला बिजी है कि उनको बस अच्छाई अच्छाई अच्छाई, अच्छाई अल्लाह ताला अता करे अल्लाह ताला बोले असल मामला तो उन असल मामले का तो उनको शऊर नहीं है और असल मामला क्या है बताइए असल मामला ये है कि जो भी दुनिया में अल्लाह ताला उनको अता कर रहे हैं वो तो उनके लिए ढील है क्या है उनके लिए ढील है कर लो मजे दुनिया में और खूब मौज और मस्ती कर लो और अल्लाह ताला जो देने वाला है उसी को भूल गए अच्छा तो मनमानी कर लो अल्लाह ताला की जब पकड़ आएगी तो बड़ी सख्त रहेगी और फिर अल्लाह ताला अचानक फिर पकड़ लेगा तो अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे क्या है कुछ सिफात का जिक्र है भलाइयों की तरफ दौड़ने वाले गौर से सुनिए क्या है आयत नंबर फिफ्टी सेवन है ठीक है भलायों की तरफ दौड़ने वाले और सबकत करके उन्हें पा लेने वाले किसको पा लेने वाले भलायों को खैर के कामों को लोगों की खैर ख्वाही में लोगों को देने में लोगों की जो है भलाई में और हर नेकी के काम में क्या है वो लोग दौड़ने वाले हैं और सबक़त करने वाले हैं तो दर हकीकत वो लोग कौन हैं वो लोग लो वो हैं जिनकी सिफत अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे कि वो लोग वो हैं जो अपने रब के खौफ से डरते रहते हैं हैं। कौन है वो नेकियों में सबकत कौन करते हैं नेकियों में आगे आगे खैर के कामों में आगे आगे कौन रहते हैं जो अल्लाह ताला से खौफ करते हैं अल्लाह की खशियत उनके दिलों में होती है अब खशियत के बारे में जो है हम कलिच पढ़े खौशिन किस को बदलते हैं या खशियत किस को कहते हैं यानी कि दिल की इंतहाई आजिजी की कैफियत जिसकी जिसका ऐसी जो है डर दिल में हो कि उसके आजाद से वो जाहिर होने लगे तो क्योंकि खशियत इंसान के लिए जरूरी है खशियत इंसान के अंदर होगा खौफ इंसान के अंदर होगा तो वो नेकियों में सरगरम रहेगा वो नेकियों में आगे बढ़ते रहेगा वो नेकियों में लपक लपक कर जो है नेकियों में कोशिश करेगा जद्दोजहद करेगा अगर दिल में खशियत नहीं है दिल में खौफ नहीं है दिल में डर नहीं है तो फिर वो इंसान क्या हो जाता आराम पसंद हो जाता वो इंसान सुकून में आ जाता वो इंसान लापरवाह हो जाता और लापरवाही ये क्या है कि थोड़ा नुकसान देने वाली नहीं है बल्कि ये लापरवाही अल्टीमेट नुकसान देने वाली है तो ये लापरवाही नहीं नहीं रहना है बल्कि क्या है कि अल्लाह ताला पर मोमिन की क्वालिटी क्या बता रहे कि वो खौफ से जो है अल्लाह ताला के खौफ रखने वाले हैं जो अपने रब के आयत पर ईमान लाते हैं दूसरी सिफत क्या है कि वो अपने रब पर ईमान लाते हैं और फिर तीसरी सिफत अल्लाह ताला, ताला यहाँ पर बता रहे जो अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते एक हो गया खौफ दूसरा हो गया आयत पर ईमान लाना तीसरा हो गया किसी के साथ शिरक अल्लाह ताला अल्या के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते यानी कि वो शिरक नहीं करते और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट सिफत क्या बता रहे और जिनका हाल ये है कि जब भी जब भी देते हैं जो कुछ भी देते हैं जबी भी देते हैं जो कुछ भी देते हैं तो इनके इनका दिल इन, इस हाल में होता है इस ख्याल से जो है कांपते रहते हैं कि हमें अपनी रब रब की तरफ पलटना है तो क्या बता रहे अल्लाह ताला जो कुछ वो देते हैं ये चौथी सिफत है कि जो कुछ वो देते हैं इस हाल में देते हैं कि दिल उनके कांप रहे होते हैं इस ख्याल से कि उन्हें अपने रब की तरफ पलटना है तो अब यहाँ पर देखिए कि ये आयत में क्या बताया जा रहा है जो कुछ वो देते हैं अब देते हैं का क्या मतलब है देते इस बुलसाती दिमाग में क्या आता कि सदखा आता ठीक है दिमाग में आ, पहली चीज जो आती है ना देना बोले तो सदका आता अब यहां पर देते हैं से मुराद एक्चुअली जो है अब है अब जैसा कि को उनका हक देना औलाद को उनका हक देना और रिश्तेदार को उनका हक देना नमाज को उसका हक देना जक़त दे रहे तो जक़त को उसका हक देना रोजा रह रहे तो उसके हक के साथ रहना तो ये हर चीज हर आ, जो ड्यू राइट्स है वो देने को जो है यू, तू ना कहते हैं ठीक है अब यहाँ पर देने में सिर्फ पैसा निकाल के देना नहीं बल्कि हर राइट जिस जो जिस उसको की जो है ड्यू है उसको अपना उसका ड्यू राइट्स देने को जो है यहां पर इससे मुराद ये यू, तूना से मुराद जो है देन, वो देना है तो अल्लाह ताला यहाँ पर क्या बता रहे कि उनकी चौथी सिफत ये है मोमिन की चौथी सिफत ये है कि उन्होंने जबी भी आ, कोई ड्यू राइट्स देते हैं तो इस हाल में देते हैं कि उनके दिल क्या है कहाँ पर हो रहे वह कलूब हम वजिल्ला के उनके दिल क्या होते हैं वजी वजीलतुन कि उनके दिल क्या होते हैं काँप रहे होते हैं अब इसके बारे में जैसा बीबी आयशा रज़ा तैना क्या करें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे कि अल्लाह किल्ला के रसूल ये दिल कांप रहे होते हैं दिल दिल डरते रहते हैं तो ये किसके बारे में जिक्र है तो आप पूछे क्या ये शराबी है चोरी करने वाला है जिना करने वाला है तो करते हुए जो है उन्हें अल्लाह ताला से डर रहा तो क्या ये उन इनसे मुराद उनसे मुराद है क्या तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिद्दीक की बेटी ये वो लोग नहीं है जो शराबी है चोरी करने वाले जिना करने वाले हैं बल्कि ये वो लोग है जो नमाज पढ़ने वाले हैं जो सदक़ा और ख़ैरात करने वाले हैं जो रोज़ा रखने वाले हैं जब वो ये अमल करते हैं तो डरते रहते हैं कि आया उनका ये अमल अल्लाह के नज़दीक कबूल हुआ या नहीं हुआ और क्यामत के दिन उनको अल्लाह के सामने हाजिर होना है और उसकी जवाबदेही से वो डरते हैं तो क्या बताएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयत की तशरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से की आयत नंबर सिक्सटी हम पढ़ रहे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तशरीह क्या करें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बारे में क्या बताए बीबी आयशा रजत को कि ऐ सिद्दीक़ की बेटी ये कौन लोग हैं नमाज ज़क़़त और सदक़ा खैरत रोजा रखने वाले पर क्या है साथ में वो लोग डर रहे किस बारे में डर रहे अमल पूरा अमल कर लिए ना भाई नमाज पढ़ लिए रोजा रख लिए सदका कर लिए दीन के लिए अपनी जिंदगी लगा दे रहे सब कर रहे फिर भी डर रहे कई के लिए डर रहे कबूलियत के लिए डर रहे कि आया उनका ये अमल कबूल हुआ या नहीं हुआ और अल्लाह ताला के सामने क्यामत में अल्लाह ताला जब पूछेंगे अच्छा नमाज पढ़े कैसी पढ़े जरा बताओ तो वो सवाल से उन्होंने डरते रहते हैं तो देखिए कि ये किसकी सिफत है ये मोमिन की सिफत है ये सहाबा की सिफत है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत है हमको भी जो अमल हम करते हैं बे आ, हम उसके वो अमल करने के बाद जो है हम सेटिस्फाइड नहीं हो जाने का है वो अमल करने के बाद जो है हम बेपरवाह नहीं हो जाने का है कि हाँ भाई करे हम इतने अमल करें ना हम देखो रमज़ान आया इतने रोज़े रखे और सदक़ा खैरात करे जकवात निकालते हम हर साल जो है जक़़त निकालते हर तरीके का जो है हम अमल करते हैं ठीक है तो हम क्या है अब हम जन्नत के मुस्तक है हम तो कुरान पढ़ने वाले भी है हम तो क़ुरान जो है लोगों को बताने वाले भी हैं सिखाने वाले भी हैं सीखने वाले हैं मैं तो हिफ्स करूँ मैं तो कुरान पढ़ रही हूँ मैं तो तर्जुमा पढ़ रही हूँ मैं तो जो है तमाम जो है स्टूडेंट ऑफ़ कुरान हूँ और हम बेफिक्र हो जा रहे हैं नहीं अल्लाह क्या है यहाँ पर क्या बता रहे कि डरते रहना है कि हमारे जो अमल है कहीं उसमें रियाकारी तो नहीं आ गई कहीं हमने किसी को दे कर फिर ताना तो नहीं दे दिया कहीं उसके जो है यानी कि उसको एहसान तो नहीं जता दिया तो किसी को अजियत तो नहीं दे दिए या फिर जो जैसा हक अदा करने का था वो हक अदा करे या नहीं करे और जिस रिस्क से हमने माल खर्च किया वो रिस्क हमारा हलाल था या हराम था कहीं उसके अंदर कुछ माल थोड़ा हराम का तो नहीं आ गया तो ये हमारी कैफियत होनी चाहिए ठीक है कि हम जो करें तो एक तो उसकी कैफियत कैसी है उसके बारे में हमको फिक्र करना है बेपरवा नहीं हो जाने का है सुकून में नहीं आ जाने का है क्योंकि बाज वक्त ऐसा होता ना कि हम किसी को कोई काम कर दे जैसा फॉर एग्जाम्पल अब जैसा हम घर में पका रहे पका तो ले रहे ठीक है इतनी मेहनत कर रहे हकूक अदा करने के लिए शौहर के लिए बच्चों के लिए इवन ससुराल वालों के लिए जो है जो हमारे लिए एक्स्ट्रा नफील के दर्जा रखता है यानी कि नफील का दर्जा क्या है जो अल्लाह ताला का तुरब हासिल करने का दर्जा होता है अल्लाह के करीब पहुंचाने का दर्जा होता है तो अक्सर क्या है ससुराल का, का काम करना नफील नफील है ना नफील है ना बोल के हम समझते हैं फर्ज तो नहीं है ना हाँ भाई फ़र्ज़ नहीं है पर नफील से क्या होता है अल्लाह के अल्लाह ताली के करीब होते हैं ना वो वुरबत का ज़रिया अल्लाह के करीब होने का ज़रिया है तो क्या हम वो अल्लाह के करीब होने का ज़रिया

बेकार में जो है आ, बेकार कर देते ठीक है यानी कि जो मतलब पूरी बनाई हुई खीर में एक मैंगनी आ जाना बोलते ना वैसा जो है हम काम कर देते तो ये काम हमको नहीं करने का यानी कि कोई भी अमल करने के बाद उसको फिर दिखा एक तो ताने नहीं देने का है दिखावा नहीं करने का है या फिर क्या है रियाकारी भी हमको नहीं करने का है। दिखावा कर दिए कि हम जो भी अमल करें उसका दिखावा फिर ये भी डरते रहना है कि अल्लाह ताला इसका जैसा हक़ था वैसा अदा करी कि नहीं करी कि मैं ठीक है और फिर जो है ये जो ये जो काम है ये कबूल हुआ कि नहीं हुआ कि तो ये एहसास इंसान के दिल में होना चाहिए तो हमको भी जब हम अमल करें तो ये ये पूरे सिफ़ात का ख्याल रखने का है एक तो हमारे दिल में अल्लाह की खशियत होनी चाहिए तो और दूसरा खशियत से फिर हम क्या करेंगे नेकी के काम में सबकत करने की कोशिश करना है दूसरा क्या करने का अल्लाह के आयात पर ईमान लाने का है तीसरा क्या है अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे और चौथा काम हमको जो करना है वो ये है कि जो भी हम अमल करे जो भी हम हद करे जो भी इबादत का काम करे चाहे अल्लाह ताला से रिलेटेड इबादत रहो या बंदों से रिलेटेड हुकूक रहो फिर उसके अंदर हमको क्या करने का है कि करने के बाद भी उसकी कबूलियत के लिए डरना है और कबूलीत के लिए दुआ करना है और अल्लाह तला के आजिज़ बनना है ये नहीं कि हम कर दिए अब हम जन्नत के मुस्क है तो अल्लाह तिर क्या बता रहे कि हम किसी शख्स को इसकी मफ्तरत से ज्यादा तकलीफ नहीं देते यानी कि जो भी अल्लाह ताला तला जो नेकियों में आगे आगे बढ़कर जो भी काम करे अल्लाह ताला उसका अजर देंगे और उसके अलावा फिर अल्लाह ताला उनसे पूछ करने वाला नहीं है तो चलिए हम लोग यहाँ पर आयत नंबर सिक्सटी टू हम लोगों की हुई ठीक है ठीक है सिक्सटी टू कल हम फिर से पढ़ते हैं आयत नंबर सिक्सटी वन पर हम लोग यहाँ पर स्टॉप करते हैं और इन कल हम लोग आयत नंबर सिक्सटी टू से स्टार्ट करेंगे और कल इनशा हम लोग सुरय मोमिन उनको कम्प्लीट कर लेंगे तो अल्लाह ताली से दुआ है कि अल्लाह जितनी बातें हमने सुनी हैं उसके ऊपर अमल करने की तोफ़ी अता फ़रमा दे अल्लाह ती हमारे अंदर ये जो मोमिन की जो सिफ़त ने बताई है और कुरान के अंदर ये तमाम जो सिफ़ात है अल्लाह तौल इसके ऊपर अमल करने की तोफ़ी ख़ा फरमा दे अल्लाह हमारे अंदर खशियत पैदा फरमा दे हमको तोफी ख़त फरमा के हम सिर्फ तेरी इबादत करें किसी और की इबादत ना करें तेरे साथ किसी की जात को शरीक ना ठहराएं और अल्लाह ताला हम तेरे आयतों पर ईमान लाते हैं और उसको यकीन यकीन के दर्जे पर हम ईमान लाते हैं और उसको सही मानते हैं अल्लाह ताला उसके ऊपर अमल करने की तोफ़ी अता फ़रमा दे अल्लाह ताला तू हमको जहनम की आग से बचा ले या आलमीन तो हमको हमारे अंदर ईमान पैदा फरमा कर हमको जन्नत का मुस्क बना दे ना कि हमको अल्लाह ताला तसा अन बना दे यानी कि कचरा बनाकर जहनम में फेंक दे या इलाहल आलमीन अल्लाह ताला हम तेरी तेरे ऊपर ईमान लाते हैं तेरे आयतों पर ईमान लाते हैं पर ईमाते हैं और आखिरत के दिन पर लाते हैं हम यकीन रखते हैं कि जब हम मर जाएंगे और जब हम हड्डियों का पिंजर बन जाएंगे तो डेफिनेटली अल्लाह ताला हम दोबारा उठाकर खड़े किए जाएंगे हम उस दिन के खड़े होने से डरते हैं या इलामीन ये खौफ के ज़रिए खौफ के ज़रिए से ये खौफ़ के वसीले से अल्लाह ताला तू हमारी मकफ़रत फरमा दे और अल्लाह ताला जितने भी लोग परेशान हाल है अल्लाह ये महफ़ की बरकत से ये कुरान की बरकत से हमारी परेशानियों को दूर फरमा दे हमारी बीमारियों को दूर फरमा दे हमारी मुसीबतों को आसानियों में तब्दील कर दे हमारे कर्जों को तो अदा फरमा दे अल्लाह तला जो हमारे जो हमारे करीबी हमारे अकारब जो मरहूम हैं जो गुज़र चुके हैं चाहे ये बीमारी की वजह से हो या पहले जो गुज़र चुके हैं या रबल आलमीन तमाम की तुम मफ़िरत फरमा दे तमाम को ऊँचे दर्जात नसीब फरमा दे और जो बीमार है अल्लाह ताली तो उनको सेहत काला वाजला नसीब फरमा अल्लाह तला तो हमारी और हमारे तमाम घर वालों की हमारे मासूम बच्चों की और हमारे जो सरपरस्त है हमारे बड़े बूढ़ों की अल्लाह ताली तो हिफाज़त फरमा और उनका साय हम पर हमेशा बरकरार रख या इलामीन हम हमें हम जितने भी यहाँ मौजूद है सबके दिल का हाल तो जानने वाला है हमारे दिलों के मुताबिक अल्लाह तला हमारे हाजात को पूरा कर दे तो हमारे दिलों को खूब খুব জানতা হমারি জরুরিয়াত সে তু ওয়াকিফ হ আল্লাহ তাআলা হাম তুজি সে মাংতে হে तेरे सामने হাত پھیলাতে হে আল্লাহ তাআলা তু হামারি দুয়া কো খুবুল ফরমা দে হাম কো সিরাতাল মুস্তাকিম পর রাখ অর হামারি আওলাদ কো ভি নেক তৌফিক নেক হিদায়াত দে দে আল্লাহ তাআলা তু উন কো দীন কে লিয়ে চুন লে ইয়া ইলাহাল আলামিন তু হামারে পুরে ঘর কো দীন কে লিয়ে চুন লে অর হামারে পুরে পুরে ঘর কো আল্লাহ তাআলা তু দীন কে লিয়ে মেহনত অর কোশিশ অর জদ্দু জহদ করনে ওয়ালা বনা দে আমিন সুমা আমিন ওয়াকিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন সুবহান রাব্বিকা রাবিল ইজ্জাতি ইয়া মা ইয়াসিফ